कल रात को जब मैं बाहर जा रहा था तो अचानक एक्सेस के ब्रेक्स में से कुछ आवाज आने लगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। 24 घंटे के ऊपर हो गए और बारिश अभी तक नहीं रुकी, कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो ही रही है। एज यू कैन सी, देखो पत्तों के ऊपर अभी भी पानी है। और इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आसपास पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। आप नीचे देख सकते हैं, ये सारे पेड़ पौधे सोसाइटी कैंपस के हैं। और वहाँ अगर आप देखोगे, बिल्कुल वहाँ जहाँ पर मेरी उंगली है, उस बिल्डिंग के पीछे शायद ही आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, वहाँ एक पहाड़ी है। तो वहाँ पे भी जाना बहुत अच्छा लगता है और वो जगह बहुत ज़्यादा पास में है। ग्रीनरी होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डे बाय डे सिटीज़ लाइक पुणे जहाँ ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उससे अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। तो अपने आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, इससे नेचर भी सस्टेनेबल रहेगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ में मिलेंगे। बैक ऑन द डेस्क, और पता नहीं क्यों मुझे अपने डेस्क से इतना ज़्यादा क्यों प्यार है, कभी मन ही नहीं करता डेस्क छोड़ के जाने का। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रोफेशन ही ऐसा चूज़ किया है जहाँ मैं सिर्फ डेस्क पर बैठ के काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं डेस्क पर आके बैठ जाता हूँ और अपने सारे काम ख़त्म कर लेता हूँ। और जब काम नहीं होता, जैसे अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं लास्ट व्लॉग देख रहा था अपना, ये एज यू कैन सी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल रात को जब मैं बाहर जा रहा था तो अचानक एक्सेस के ब्रेक्स में से कुछ आवाज़ आने लगी। तो मैंने अभी सर्विस अपॉइंटमेंट ले ली है और बारिश भी रुक गई है, तो मैं जल्दी से एक्सेस को लेके जाता हूँ और चेक कराता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और अब अचानक से वापस धूप आ गई। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कल रात को शायद बिल्ली फिर से गाड़ी की सीट पर आके बैठी थी, तो ये देखो पूरी गाड़ी पे बिल्ली के पंजों के निशान और बिल्ली के बाल है। और गाड़ी पे बैठ के बिल्ली ने देखो ये क्या कर दिया, पूरी की पूरी सीट फाड़ दी है। बाय द वे ये सीट कवर तीसरे बार चेंज करवाया था, तो मैं गाड़ी सर्विस के लिए लेकर आ गया था, यहाँ पीछे दुकान है, मैं फटाफट से उनको सारी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं। गाड़ी सर्विसिंग पर डाल दिया है एंड होपफुली 2 से 3 घंटे में गाड़ी मिल जाएगी। अब मैं पैदल घर पर जा रहा हूँ क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। और गाड़ी में से सारा सामान निकाल लिया है, हेलमेट और रेनकोट ही रहता है गाड़ी में, तो वो भी निकाल लिया है और अब मैं पैदल सीधा घर पर जाता हूँ। मेरा डिस्चार्ज हो गया था तो फिर मैंने चार्जिंग पर लगाया, फिर मैं नहाने के लिए गया, खाना बनाया। अब खाना खाने बैठता हूँ, तब तक आपके ब्यूटीफुल टाइम लैप्स एंजॉय करूँ। दिन का सारा काम खत्म करने के बाद अब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, पीछे लैपटॉप रेडी है, थोड़ा सा वीडियोस देख रहा था, अब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। फिर उसके बाद हम शाम को बाहर जाएंगे, थोड़ा घूम कर भी आते हैं। मुझे अभी अभी कॉल आया कि एक्सेस रेडी हो चुकी है, लेकिन बारिश आ रही है अभी, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। बारिश रुकने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सेस लेकर आते हैं। तो गाइज एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा ट्राईपॉड टूट गया है। अभी थोड़ी देर पहले सामने खिड़की के बाहर अगर आपको वो पेड़ दिख रहा होगा, तो उस पेड़ पे बीटर का ग्रुप बैठा था, तो मैंने फटाफट अपना कैमरा निकाला, ट्राईपॉड निकाला कि कुछ वीडियोस लेता हूँ उनके और कुछ फ़ोटो शूट करता हूँ। लेकिन जब मैंने कैमरा सेटअप किया तो फिर मुझे पता चला कि ट्राईपॉड का एक पैर जो है वो लॉक नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड पूरा सेटअप किया हुआ है, कैमरा ऊपर है, ट्राईपॉड नीचे है, लेकिन ये देखो इस ये वाला जो लेग है इसका सेकंड लॉक नहीं लग रहा है। अगर मैं अभी थोड़ा सा भी पुश करता हूँ आगे, तो ये देखो ये पूरा अंदर बेंड हो जाता है। ये देखो मुझे पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको पैर से पकड़ के ऐसे खींच के रखना पड़ता है। लेकिन मेरा कैमरे का ट्राईपॉड ख़राब हो गया है, तो आई गेस तो मुझे अभी समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या हुई है। ये जो लॉक है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है। एज यू कैन सी, ये जो नॉर्मल जो लॉक है जो सही है वो कहाँ है, और दूसरा जो लॉक है वो कहाँ पहुँच गया है। ये देखो आपको यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा होगा, ये तो एक लॉक अपनी जगह से सरक गया है, इसलिए ये लॉक नहीं हो रहा और ये लेग बार बार बेंड हो रहा है और ये ऊपर जाके लॉक हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब इन दोनों का जो साइज़ है, इन दोनों की जो लेंथ है वो देखो उसमें कितना डिफरेंस आ गया, तो कैमरा स्टेबल नहीं रहेगा फिर अब। तो अब मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा कि इस ट्राईपॉड को मैं सही कैसे करूं, क्योंकि दिस इज़ दी ओनली बिग ट्राईपॉड आई हैव फॉर द कैमरा। छोटे कैमराज के लिए मेरे पास 2 ट्राईपॉड है, द वन जिसके ऊपर GoPro भी माउंटेड है फॉर ब्लॉगिंग सेटअप, और दूसरा मेरे घर पे रखा है। लेकिन बड़ा ट्राईपॉड मेरे पास सिर्फ एक अकेला ही है जिसका एक लेग टूट गया है, तो मुझे इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराना पड़ेगा। बड़ा ट्राईपॉड मेरे
वाइल्ड लाइफ असाइनमेंट्स में काम आता है, जहाँ मुझे कुछ स्टिल फोटोज़ के लिए या फिर कुछ वीडियोज़ के लिए एक स्टेशनरी कुछ चाहिए होता है जहाँ पर मैं कैमरा नहीं रख सकता, तो मैं ट्राइपॉड कैरी करता हूँ, ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा माउंट करके वो शॉट्स लेता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली ये ट्राइपॉड बहुत जल्दी ख़राब हो गया, यूजुअली ट्राइपॉड्स इतने जल्दी ख़राब होते नहीं हैं। ये ट्राइपॉड आई गेस मैंने 2 या 3 साल पहले ख़रीदा था और ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया, तो मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा इस ट्राइपॉड को जल्दी से रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं फ़िलहाल नया ट्राइपॉड लेना नहीं चाहता। एनीवेज बारिश रुक गई है तो मैं जल्दी से जाके एक्सेस लेकर आता हूँ। बारिश गिरने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ठंडा है। अभी 2 दिन पहले तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम हो गया है। If you look at this ESD, it's a ESD scrambler. Although मैं scramblers का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट ESD की जो scrambler है जो बहुत अच्छी लगती है, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। भैया ने यहाँ पे हमारी गाड़ी धो के एकदम साफ कर दी है, एज यू कैन सी। अब मैं जल्दी से पेमेंट करता हूँ और फिर हम पेट्रोल भरा के घर पे चलते हैं। एंड बैक टू द होम। सो यहाँ तक एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तो मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे अभी अभी व्लॉगिंग शुरू की है और मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेंट आइडियाज़ हैं जो आपको फ्यूचर वीडियोज़ में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।